हे हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्सर। सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है राम, जो कि रामचंद्र सीरीज की फर्स्ट बुक है बाय अमीश त्रिपाठी सर। और इनके और भी सीरीज हैं, लाइक फर्स्ट राम है, देन सीता, देन रावण, और जो इसकी लास्ट बुक है द वॉर ऑफ लंका, जो कि लास्ट मंथ या फिर आई डोंट नो इस मंथ रिलीज हुई है और काफ़ी अच्छे लोग बता रहे हैं। बट मैंने इस सीरीज़ की एक भी बुक नहीं पढ़ी, तो मैंने राम मंगा ली है। और ये मैंने क्यों मंगाई है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि मुझे पढ़ने का मन है, ये मैंने एक और रीज़न की वजह से मंगाई है। वो रीज़न क्या है वो या तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा या फिर इससे पहले वाले वीडियो में मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है या इससे पहले वाला वीडियो जो होगा वो बेस्ट वीडियो होगा, मज़े आएंगे आपको देख करके। और उसमें आपको मैंने बता दिया होगा कि मैंने ये बुक क्यों ऑर्डर करी है। इस बुक पे इस बार अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल पे, तो उस पे इस बुक पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आया था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आने वाले बुक सेल्स और जितने भी बुक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लाइक अगर कोई बुक अच्छे सेल पे मिल रही है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है, तो मैं उसको अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज पे अपडेट कर देता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी स्टोरी मैं पोस्ट करता हूँ उसमें अपडेट रहना। एंड होपफुली आपको बहुत अच्छी बुक्स पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, बिकॉज मैं अभी घर पे नहीं हूँ, अजमेर नहीं हूँ, आई एम एट दिल्ली, सो इसलिए मैं अनबॉक्सिंग जो है वो थोड़ा सा अनकैनी जगह पर कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझना और थोड़ा सा इसको यू नो डाइजेस्ट कर लेना। सो अभी बुक का अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीछे से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बिकॉज आई एम नॉट इन माय होम। तो ये रहा पैकेट अपना, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि बुक की हालत कैसी आई है एंड ऑल। तो यूको बड़ी आसानी से खुल गया। हियर इज़ द बुक। एक सेकंड, मैं पहले अंदर देख लूँ, कोई बुक मार्क गलती से दे दिया होगा अमेजोन ने, तो आई वाज रॉन्ग एज ऑलवेज, कुछ नहीं दिया। ओके, सो हियर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रामचंद्र सीरीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो रामचंद्र सीरीज़ की फर्स्ट बुक है। राम स्काइन ऑफ इक्ष्वाकु, इनका कुल था इक्ष्वाकु एंड वंशज थे इक्ष्वाकु के। तो ये बीबीसी ने इनको एक कॉमेंट दिया है कि अमीश इज़ इंडियाज टॉकिन एंड एशियाज पॉलो कोयलो। वाओ, अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट यार। इफ नो स्काइन, इसका प्रोनाउंसिएशन साइन होगा, मैंने अभी गूगल पे देखा। अगर इसकी स्पाइन पर अगर अपन आते हैं तो आप देख सकते हो कि हार्पर कोलिंस ने इसको पब्लिश किया है बुक को। तो यहाँ पे आप एक सिंबल भी देख सकते हो जो कि ऑफकोर्स बुक के अंदर ही होगा। यहाँ पे सूर्य बना हुआ है, सूर्य का आई नो कि सूर्यवंशी थे श्री राम भगवान, तो इसलिए सूर्य का तो पता है। बाकी ये दो जो बने हुए आई डोंट नो अबाउट दैट, सो वी विल गेट टू नो इन दिस बुक। इस बुक के अंदर पेजेस की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो पेजेस की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं बोलूँगा। हार्पर कोलिन से वैसे मैं बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ अगर ये पेपर क्वालिटी की बात आती है, पर इसके अंदर पेपर क्वालिटी इज़ डिसेंट, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, बट या डिसेंट क्वालिटी की पेपर है। एंड इसमें अगर आपको बताऊँ बुक कितने पेजेस की है, 350 पेजेस की है, फर्स्ट बुक है रामचंद्र सीरीज़ की। गाइस, अगर बुक के पीछे वाले कवर पे आप आओगे ना तो इसमें इंडिया 3400 BCE का एक मैप दे रखा है कि इंडिया उस समय कैसा था। ऑफकोर्स ये जो नाम आप देख सकते हो ये सारे नाम पुराने हैं, और इस बुक के अंदर इस मैप की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी ऑफकोर्स जब सीता हरण होगा या फिर कुछ ऐसा होगा कि राम जी कहाँ कहाँ गए थे अपने वनवास के थ्रू, तो वो इस मैप के थ्रू अपन जान पाएंगे। वैसे रामायण सबने पढ़ी है और सबको पता है रामायण के बारे में, बट अमीश त्रिपाठी सर एक ऐसा काम करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। यूजुअली अमीश सर जो पुराने ग्रंथ हैं, महाभारत हो गया, जैसे पैलेस ऑफ इल्यूजन, अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा तो देखना, उसका भी कुछ ऐसा ही था, लाइक जो पुरानी महाभारत थी उसी से रिलेटेड कुछ अपनी चीज़ें डाल करके थोड़ा सा उसको फिक्शन लुक दे करके एक बुक लिख दी, वैसा ही अमीश सर करते हैं। पर इनका राइटिंग स्टाइल जो अमेजिंग, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही बुक पढ़ी है मैंने की, जो कि सुहेल देव थी, और उसका रिव्यू भी मैंने कर रखा है, अनबॉक्सिंग भी आप जाके देख सकते हो, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई रेड इन दैट ईयर। तो अगर आप इसके बैक कवर पे आओगे तो स्टोरी के बारे में थोड़ा सा एक गो थ्रू दे रखा है, आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अमीश इंडियाज बिगेस्ट लिटरली रॉक स्टार शेखर कपूर ने ये चीज़ बोली अमीश सर के लिए। प्लस इसकी जो MRP इस पे लिखी गई है वो लिखी गई है 399 रुपीज़, बट मुझे ये सिर्फ 200 रुपीज़ के अंदर मिली है फ्रॉम अमेजोन। अगर आप चाहते हो कि आप भी ये बुक खरीदना चाहते हो या फिर शिवा ट्रिलॉजी से रिलेटेड कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसी लिंक से जाके खरीदना, उससे अपने चैनल को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। एफिलिएटेड लिंक है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके खरीदना प्लीज़। अब ये बुक मैंने मंगाई क्यों है, इसका जो आपको खुलासा है वो अगले वीडियो में या फिर इससे पहले वाले वीडियो में हो गया होगा, बिकॉज आई एम टोटली क्लूलेस कि मैं इस वीडियो को पहले डालूंगा या बाद में डालूंगा उस वीडियो के, बट लेट्स सी। एंड आई एम एक्साइटेड टू रीड दिस बुक, बिकॉज फॉर मी राम जी इज़ माय आइडल एंड आई एम अ डिवोटी ऑफ राम जी, सो ये मेरी बुक बहुत दिल के पास होने वाली है। वैसे मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ, बट ऑफकोर्स इसका एक पढ़ने का अलग एक्सपीरियंस होगा,
इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न वे के अंदर समझा हुआ राम जी के बारे में, एंड आई एम एक्साइटेड टू रीड दिस बुक ऑल्सो। सो दिस वॉज द अनबॉक्सिंग ऑफ राम सायन ऑफ इक्ष्वाकु। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड तक देख रहे हो तो आई अप्रिशिएट फॉर यू डैड, एंड एक कॉमेंट जरूर करके जाना अबाउट दिस बुक और एनीथिंग अबाउट बुक्स एंड ऑल, एंड इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना जो बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो, उसको इंटरेस्ट हो बुक्स पढ़ने में, उसकी अनबॉक्सिंग देखने में, या बुक्स से रिलेटेड कुछ भी अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।